आज के युवा छोटी मोटी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, पढ़े लिखे युवा भी, और यदि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती तो निराश और हताश हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर 10,000-20,000 का कहीं कोई नौकरी मिल गया तो कोई बहुत बड़ा वो शायद जंग जीत गए हों। लेकिन हमारे ही समाज में, हमारे ही किशनगंज जिला में ऐसे भी युवा हैं जो दोहा कतर में एक जर्नलिस्ट के रूप में पिछले लगभग 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे और आज उसको छोड़कर अपने गांव में अपनी पिता की भी सेवा कर रहे हैं और अपनी संपत्ति की भी सेवा कर रहे हैं। मुझे जब इनसे टेलीफोनिक टॉक पर बात हुई तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। कल ही बात हुई और मैं आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह मन बना चुका था कि मैं इनके कुछ प्लॉट को अवश्य देखूंगा। अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये सोएब जी हैं, विशेष ये खुद बताएंगे, ये 3 एकड़ का प्लॉट है, क्या क्या है इसमें, मैं तो देख चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा सोएब जी आप अपने से बताएं कि आप क्यों आ गए नौकरी छोड़ के। जी, मैं तो वहां बहुत अच्छे लुक्रेटिव जॉब में था, एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर में एज अ सीनियर जर्नलिस्ट काम कर रहा था, दोहा कतर में एक न्यूज़पेपर है द पेनिनसुला, उसमें मैं बिजनेस हेड करता था, और मेरा इकोनॉमिक्स में एमए है और मेरा मास कम्युनिकेशन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री लिया है। बहुत बढ़िया। और अभी यहाँ ये 3 एकड़ का खेत है जो आप आए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रयास जो है सफल हो गया। और ये मैंने लेमन लगाया, हाई डेंसिटी क्रॉप है, इसमें मैंने लगाया है लेमन, कागजी लेमन है, और ये इसको बंगाल ये में तो आप फ्रूटिंग भी आ गया है। जी जी जी, फ्रूटिंग भी आ गया है। कितने दिन का है ये? ये मेरा जो प्लांटेशन है उसमें 4 महीने हुए। आप इस 3 एकड़ के प्लॉट को कब स्टार्ट किए डेवलप करना धीरे धीरे? ये अगस्त एंड में शुरू किया हमने सर। अगस्त एंड मींस कौन सा ईयर? इसी साल 2021 में अगस्त एंड में, मतलब 4 महीने का ये प्रोग्रेस है। जी जी, ये मात्र 4 महीने का ये प्रोग्रेस है। और इसमें मैंने ड्रमस्टिक लगाया है जिसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं आप, इधर देखिए नॉड्स निकले हैं फ्लावर्स के। ये सिर्फ 4 महीने का प्लांट है, इसका सीड मैंने इंपोर्ट प्रोक्योर किया, खुद घर में जर्मिनेट किया, इसका सैपलिंग खुद तैयार किया, खुद मैंने अपने हाथों से लेबर्स के मदद से लगाया। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एरिका नट जिसको सुपारी कहते हैं हम लोग, ये मैंने 600 सुपारी लगाया है। अभी इसमें का ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसमें जो है एक कीड़ा लग जाता है, जो पत्ता जो टेंडर पत्ता होता है इसको खाता है, तो इसमें मैंने कोई केमिकल नहीं दिया है, मैंने घर में नीम का पत्ता को तोड़ा, ओवरनाइट बॉईल किया और उसका स्प्रे किया है मैंने, और वो भी मतलब एक ऑर्गेनिक ही इंसेक्ट। अच्छा, आप बताएं कि देसी गाय है आपको? देसी गाय है, है। जी जी, उसके यूरिन, हाँ उसके यूरिन से भी आप तैयार करें। इस पर हम बैठेंगे आपके साथ 10 मिनट, तो उसकी भी चर्चा करेंगे और कुछ आपको हम लिंक भी देंगे जैविक खेती का। तो आपके जैसे लोग यदि करेंगे तो अगल बगल के लोग इसको देखें, और मैं अपने डिपार्टमेंट के भी लोगों से कहूंगा, यहाँ के किसान सलाहकार, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, और जैसा कि आपने बताया कि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अब तक आपके यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं, 4 महीना से आप काम कर रहे हैं, आज ही वो आपके इस प्लॉट को देखेगा और आपको पूरी जानकारी देगा। डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी प्रावधान है उसके तहत जहाँ भी हमको आपको कुछ लाभ देने का है तो आप उसका भी लाभ लें, और केवल अनुदान के चक्कर में मैं समझता हूँ कि आपके जैसा आदमी पड़ेगा नहीं। जो आदमी बिना किसी अनुदान के चक्कर में पड़े खुद इस ढंग का इनोवेटिव वर्क कर सकता है, वो आगे क्या करेगा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार सोएब साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और नए साल की शुभकामना भी देता हूँ। और